हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो यहां पर आ चुकी है जिसमें हमने आ, निफ्टी के प्रोडिक्शन किया जो कि यहां पर ट्वेंटी फोर्थ में मतलब कल के लिए एज वेल एज मेटल स्टॉक्स में गिरावट हुई है क्यों हुई है गिरावट एज वेल एज कब यहाँ पर मार्केट रिकवर uh, होगा इसमें मेटल में और कब हमें बाइंग करनी है और अगर हम बात करें बाइंग करें तो हमें बेचना कहा है उससे रिलेटेड बातें करिए तो जाके वीडियो को देख लीजिएगा इस वीडियो में हम बात करने वाले अडानी अडानी के दो शेयर है ओके जिस जो कि यहाँ पर तेजी में बने हुए हैं जैसे कि अडानी बिलमार यहाँ पर देखिए पांच परसेंट का अपर सर्किट इसके अलावा हम बात करते हैं अडानी पावर की यहाँ पर भी देखेंगे तो लगभग पांच परसेंट का अपर सर्किट तो दोनों स्टॉक्स के टारगेट ओके और दोनों स्टॉक्स में क्या हो सकता है मैं अपनी राय देना चाहूंगा ओके बट जो राय दे रहा हूं इसका मतलब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही आपको पोजीशन लेनी है लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था उसके बाद गिरावट हुई थी ओके okay, उस लेवल से अब यहाँ पर निकल के चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो चीजों को समझ में आएगा और किस बेसिस पे यहाँ पर मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएंगे तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं जानते हैं बट तो बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर अवर चैनल आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब बेलाइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम इस तरीके की वीडियो डाले आप सीखे और सीख के लास्ट तक जरूर बने रहे तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अडानी पावर की अडानी पावर मुझे याद है ओके अडानी पावर को जब मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी तो तीस रुपए पे ये स्टॉक चला करता था ओके okay, लगभग आज से एक साल पहले तो यहाँ पर देखिए अडानी का कौन सा स्टॉक खरीदूं अडानी पावर में यहाँ पर मैंने लिख रखा था ओके okay, और यहाँ पर उस टाइम लगभग तीस रुपए का ये स्टॉक चला करता था तो मैंने आपको ये बताया था क्यों क्योंकि उसके बाद अगर हम देखें उससे पहले हमने अड़ानी टोटल गैस से रिलेटेड वीडियो बनाई थी जब ये तीन सौ रुपए पे चलता था इस उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी लगभग टेन टाइम्स ये शेयर हुआ और अडानी पावर की भी हमने बात करी अडानी पावर की अगर हम देखें तो अडानी पावर भी अच्छा खासा हमारा भागता हुआ दिखाई दिया और लगभग रिटर्न मोर देन टेन एक्स इलेवन रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुके हैं तो कितने रिटर्न और जा सकता है कितना शेयर और भाग

कि किसी भी कंपनी के ऊपर इतना डेट रहेगा तो लास्ट में शायद ऐसी कंपनी अगर डेट को हैंडल कर ले तो ये जो भी मल्टी बैगर है वो सुपर मल्टी बैगर रिश्ता हो सकता है और अगर डेट ज्यादा हुआ तो याद रखिए ये शेयर जहां पर इतना भागा उसके हिसाब से जब गिरना शुरू हुआ तो बहुत बेकार ये गिरता हुआ नजर आएगा बट कंपनी के जो इस बार के जो रिजल्ट आया है वो काफी माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है हाइएस्ट एवर यहाँ पर मार्जिन आते हुए दिखाई दिया दे ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है बट मेन कंसर्न यहाँ और कंपनी लगातार जो घाटे में थी वो यहाँ पिछले दो साल से पर प्रॉफिट में आ रही है बट कंपनी का कंसर्न है पर डेट कंपनी का डेट जरूर पर धीरे धीरे कम हो रहा है बट स्टिल लगभग करोड़ के आसपास का पर इनके पास डेट है इसके कंपेयर में रिजर्व यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे यहाँ पर लगा रही है इन्वेस्टमेंट है और कैश की बात करें तेईस सौ करोड़ के आसपास का कंपनी का पास कैश भी है एक आध जो को छोड़ के बाकी सारी चीजें यहाँ पर कंपनी के साथ अच्छी होती नजर आ रही है प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है एफ की होल्डिंग अच्छी खासी है डीआईस की होल्डिंग अच्छी खासी है पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास वो के शेयर है अब मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ देखिए टेक्निकल के बेसिस पर चीजें चलती है इस चीज को याद रखिएगा ओके okay, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था अगर इस लाइन के नीचे गया तो यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है तो इस लाइन के नीचे नहीं गया यहाँ से ही ये शेयर ने देखिए भागना शुरू किया और यहाँ पर पर का अपर सर्किट पे चल रहा है है एक, एक होती एडवांस फीवो टेक्निक होती है ओके okay, नाशी टेक्निक कहते हैं तो अगर हम इसके बेसिस पे अगर हम टारगेट दिखा डिसाइड करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप तो लगभग लगभग ये तीन सौ सत्तानवे पर देख सकते हैं चार के आसपास अगर ये शेयर चार सौ रुपए के आसपास पहुंचता है तो याद रखिए वहां पर आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए ओके okay, या फिर यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को लगाना शुरू कर दिए स्टॉप लॉस तो अभी भी आपको ट्रेल अगर करेंगे तो एक बेहतर रहेगा क्यों क्या यहाँ से भी इसने ब्रेकआउट दे दिया 311 के लेवल से और अच्छा खासा ऊपर भाग रहा है ये सारे के सारे के इसके रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है बट अच्छा और जो टारगेट पर डिसाइड हो लगभग चार सौ रुपए के आसपास है तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल करते हुए यहाँ पर रैली को एंजॉय करिए और चार सौ के आसपास मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चालू हो जो कि शेयर को यहाँ इस लेवल तक लेके आ सकता है तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्यों क्योंकि एक बार पैसे तो बन जाते हैं बट तो पैसे बनने के बाद उस पैसे को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए सेम इसी हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं अड़ानी विलमार की हम बात करेंगे मैं आपको ताजा ताजा एग्जाम्पल देता हूँ तो यहां पर आप देखेंगे अडानी वुलमार भी देखिए यहाँ पर इस टेक्निक के हिसाब से अगर हम देखें तो उसी के आसपास पास थोड़ा सा ऊपर गया और फिर यहाँ पर से लगातार गिरना शुरू हुआ और अभी दोबारा भागता हुआ नजर आ रहा है बट मैं अडानी बिलमार की बात अः यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि अडानी बिलमार यहाँ पर ना आपको ऊपर के लेवल पे यहाँ पर बताया था कि चीजें यहाँ से ऊपर जाएगी तो अच्छी है बट यहाँ पर से अगर नीचे है जब तक ठीक बेकार है ऊपर गई भाग रहा है वे अच्छी बात है बट यहाँ पर यार कोशिश करिएगा निकलने की क्यों क्योंकि यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पर आपको फंसा के फिर यहाँ पर गिराया जाए बट मोस्ट प्रॉब्लम और अगर ऊपर भागता है तो स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल करते रहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए तो अच्छा रहेगा क्यों क्योंकि अडानी अगर हम विलमार की अगर बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो स्टॉक्स है ओके स्टॉक्स तो बेहतरीन है बट इसका पी की बात करें वो महंगा है कंपनी के आरोप ठीक ठाक है ओके पी की बात करें तो कंपनी का शेयर लगभग टू टू टाइम मोर देन टाइम्स पर चलता हुआ नजर आ रहा है पी के हिसाब से और कंपनी के रिजल्ट देखेंगे तो देखिए सेल्स तो बढ़ी है बट साथ साथ एक्सपेंसिज भी बढ़े हैं जिसकी वजह से अगर हम देखें कंपनी के मार्जिन पर यहाँ पर इफेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है जब एक बार कंसोलीडेट फूड देखेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएगी ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के यहाँ पर मार्जिन पे इफेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें नेट प्रॉफिट भी ईयरली बेसिस पर घटता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस कंपनी का काफी बेहतरीन है रिजल्ट अच्छे खासे है बोरइंग भी यहाँ पर कंपनी की धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे है सब चीज अच्छी है और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 87 सेवन परसेंट की जो कि अच्छी बात है बट यहाँ पर 74 का रेशो भी इन्हें अपनाना है तो यहाँ पर रिजल्ट में थोड़ा सा दबाव आया दबाव की वजह से शेयर यहाँ पर नीचे गिरा भी था बट ऑपरेटर नाम की जो चीज होती है ओके वो, वो जब तक चाहे शेयर को यहाँ पर ऊपर ले जा सकते हैं और याद हम जिस दिन अगर कुछ बेकार हुआ तो और लोग अभी आके बंद करके ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ओके अडानी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली उनकी वेल्थ क्रिएट हुई होगी नो डाउट ओके दे दे आर अर्निंग अ वेरी गुड इनकम ओके फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स जो अडानी बिलमार या अडानी के डिफरेंट स्टॉक्स है बट

इस लेवल पे या इस लेवल पे आठ सौ तिहत्तर के लेवल पे आके चीजें नीचे मुड़ती हुई नजर आ सकती है तो इस लेवल को मोस्टली यहां पर ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहां पर चीजें बिगड़ सकती है तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये भी नहीं कह रहा हूं कि सेल करिए ये भी नहीं कह रहा हूं कि बाई करिए सिंपली आप यहाँ पर जो भी आपके पास अगर पोजिशन है तो ट्रेल करिए ओके okay, उसे ट्रेल करके और यहाँ पर अगर चीजें बेकार भी होती है तो एटलीस्ट यहाँ आप प्रॉफिट के साथ निकल आइए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाइए क्योंकि जिस तरीके से शेयर भाग रहे हैं कहीं कहीं कुछ ना कुछ फिशी भी हो सकता है इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करे कमेंट करे शेयर करे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे टारगेट भी आपको बता दिए और सब चीज यहाँ पर बताते हुए नजर आते सो थैंक यू सो मच और ब्लिस